अब आइए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि हम सभी अद्भुत पक्षियों का दीदार करना बेहद पसंद करते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रवासी पक्षी भी है जो 5500 किलोमीटर का सफर कर भारत में मेहमान बनकर हर साल आता है। प्रवासी पक्षी कुर्जा के आगमन से कैसे बदली है खीचन गांव की तस्वीर, आइए दिखाते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। नीले आसमान में वी आकृति में उड़ते ये पक्षी और कुरकुर की आवाजें इन पक्षियों के आगमन का एहसास कराती है। नीले आसमान में अपनी सुंदरता की छटा बिखेर रहे हैं ये कुरंजा पक्षी। सूरज की पहली किरण के साथ इन पक्षियों की झलक इस कदर रोमांचित कर देती है मानो प्रकृति का नायाब तोहफा मिल गया हो। फलोदी से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खिंचन इन पक्षियों को देखने का अनोखा केंद्र बन गया है, जहां बहुतायत में पक्षी तो पहुंचते हैं और पक्षी प्रेमी भी इन पक्षियों के अलौकिक स्वरूप का दीदार करने पहुंचते हैं। हर साल साइबेरिया से शीतकालीन प्रवास पर आने वाले कुरंजा पक्षियों के पड़ाव स्थल के रूप में पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान कायम कर चुका है, लिहाजा पर्यटन मानचित्र पर उभरने के बाद यहां सैलानियों की रेलम्पेल लगी रहती है। कुरंजा पक्षियों को साइबेरिया में डेमोसाइल क्रेन के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत में इन पक्षियों को कुरंजा नाम से पहचाना जाता है। कुरंजा शीतकालीन प्रवास पर सितंबर के पहले सप्ताह में साइबेरिया से फलूदी के खिंचन गांव पहुंचना शुरू हो जाते हैं और नवंबर के आते आते इनकी संख्या 25,000 पहुंच जाती है। ये पक्षी ज्वार, नमक, चूने के पत्थर खाना पसंद करते हैं। इन पक्षियों को यहाँ उनका पसंदीदा खाना भरपूर मात्रा में मिल जाता है। ये पक्षी साइबेरिया में सितंबर से शुरू होने वाली बर्फबारी से बचने के लिए शीतकालीन प्रवास पर भारत, मंगोलिया, पाकिस्तान समेत कई देशों की यात्रा पर निकल जाते हैं। करीब 5,500 किलोमीटर का सफर तय कर कुरंजा पक्षी यहाँ पहुँचते हैं। सरकार की ओर से प्रवासी परिंदों के लिए कुछ खास पहल नहीं की गई है। एडीएम हाकम खान और पक्षी प्रेमी संस्थाओं संगठनों की पहल पर कुरंजा पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम किया जाता है। डेमोसाइल क्रेन कुरजा अभी 1 सितंबर को आई है और आज इनकी संख्या लमसम 2 दिनों से 1500 हो गई है। इनकी रोज संख्या बढ़ोतरी हो रही है और आने वाले 1 महीने के अंदर इनकी संख्या 10,000 से 15,000 क्रॉस हो जाएगी और दिसंबर 15 तारीख तक इनकी संख्या 30,000 के करीब पहुंचने की संभावना है। गांव के ग्रामीण सेवाराम माली और सत्यनारायण राजपुरोहित इन पक्षियों की सेवा कर रही हैं। सेवाराम को नेशनल लेवल के कई वाइल्ड लाइफ अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। हमारा संस्थान इन पक्षियों के लिए पिछले 30 वर्ष से कार्य कर रहा है। हमने इस संस्थान ने इस प्रवासी पक्षियों के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सन 1996 में एक रिट याचिका दायर कर 400 बीघा भूमि इन पक्षियों के लिए रिजर्व करवाई। दूसरी रिट याचिका हमने न्यायालय में दर्ज करवाई जिसमें न्यायालय ने ये भूमि जो आप देख रहे हो ये 10 बीघा आबादी भूमि इस कैचमेंट में तालाब में जोड़ी। तीसरी रिट याचिका हमने न्यायालय में दर्ज करवाई माननीय तो खसरा नंबर 153 की जिसमें 12 बीघा भूमि इन प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और पड़ाव स्थल के लिए राज्य सरकार ने आवंटन की। कुरंजा सितंबर से मार्च तक यहाँ शीतकालीन प्रवास पर रहकर गर्भ धारण करती है, फिर मार्च में अपने देश को लौट जाते हैं जहाँ से कुरंजा नवजात बच्चों को जन्म देती है। इसी के साथ ये गांव एक बार फिर इन पक्षियों की आवाज के बिना सूना हो जाता है और आने वाली शीत ऋतु का ग्रामीणों को बेसब्री से इंतजार रहता है जब ये पक्षी अपने अलौकिक स्वरूप के साथ भारत पहुंचते हैं। न्यूज इंडिया के लिए फलोती से धर्मेंद्र कुमार सोनी की रिपोर्ट।